हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज बना रही हूँ मैं सूजी का झटपट बनने वाला नाश्ता, जो कि 5 से 10 मिनट में बन जाएगा और खाने में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है सूजी। तो आप मोटी बारीक कोई भी सूजी ले सकते हैं। एक कटोरी सूजी ली है मैंने, तो एक कटोरी सूजी ली है तो आधा कटोरी दही डाल लेंगे। तो ये नॉर्मल दही है और खट्टा कम है। अगर खट्टा दही आपके पास तो एक तीसरा हिस्सा डाल लें आप। और दही नहीं डालना चाहते तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, इससे उससे भी नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। और इसमें हल्का सा चीनी डाला है मैंने, यानी शुगर आधा चम्मच, और दो चुटकी करीब है जो हल्दी डाली है। और अब जितना सूजी डाला था उतना ही पानी डाल लेना है इसके अंदर, और 2 से 3 सेकंड के लिए इसको चला लेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको पीस लिया है इस तरीके से, इसका एक स्मूथ पेस्ट बन गया है। इसको निकाल लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल में। तो इस नाश्ते को बनाने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने आधा टमाटर लिया है छोटे साइज का, और एक छोटे साइज का प्याज, 2 से 3 हरी मिर्ची, टमाटर के बीज हैं जो अलग कर दिए हैं मैंने। आप चाहे तो इसमें कोई और वेजिटेबल भी डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, गाजर वगैरह, या आपके पास जो है। फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने प्याज और टमाटर ही डाल लिया है। और इसमें डाला है स्वाद के हिसाब से नमक। तो मैं बिल्कुल सिंपल नाश्ता बना रही हूँ, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है इस तरीके का नाश्ता। तो अब इसमें मैंने हल्की सी मिर्च पाउडर भी डाला है, तो ये तीखी कम है मिर्च, इसलिए मैंने इसमें ये मिर्च पाउडर डाला है। आप चाहे तो इसको सिंपल नमक से बना सकते हैं, वैसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और अब इसमें डाला है मैंने बाद में थोड़ा सा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं आप, या इनो भी डाल सकते हैं, उससे भी ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन जाता है। और यहाँ पर मैंने एक ये और ये पिंक कलर थोड़ा सा हल्का सा डाला था इसमें, ताकि नाश्ता है जो हमारा देखने में भी अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैंने एक तवा लिया है और इस तवे पर थोड़ा सा मैंने तेल डाला है। तो ये सिंपल तेल है। आप इसमें क्या करेंगे, एक चम्मच है जो चना दाल डाला है और एक चम्मच ही मूंग दाल डाला है। इससे क्या होगा, नाश्ता है जो हमारा एकदम क्रंची बनकर तैयार होगा, ऊपर से खाने में भी अच्छा लगेगा। तो गैस का फ्लेम है जो मीडियम कर लेंगे, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। और मैंने यहाँ पर 2 तवे लिए हैं, क्योंकि मैं इस नाश्ते को झटपट से दो ही, ताकि जल्दी से बन जाए, इसलिए मैंने 2 तवे का यूज किया है। और इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है नाश्ते को। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे घोल को, और दोनों ही साइड इस तरीके से डाल दिया है मैंने। आप चाहे तो इसको नॉन स्टिक पैन में बना सकते हैं, तो मेरे पास, मैंने इसको तवे पर ही बना रही हूँ। और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ी सी इस तरीके से लाल मिर्च डाली है, फ्रेश वाली लाल मिर्च चाहिए। और ऊपर से थोड़ा सा इस तरीके से कलौंजी वगैरह डाल सकते हैं, ताकि ये नाश्ता है जो देखने में भी अच्छा लगे, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ढककर पकाएंगे इस नाश्ते को 2 से 3 मिनट बाद। बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना क्या होगा, ये नाश्ता है नीचे से जल जाएगा। अब ये देखिए मैं आप पलट दे रहे हैं इसको इस तरीके से, तो एक साइड ये देखिए कितने अच्छे से पका है और एकदम जालीदार बनकर तैयार हुआ है नाश्ता हमारा। तो मैंने दोनों ही नाश्ते को इस तरीके से पलट दिया है। और इस नाश्ते को बनने में 8 से 9 मिनट लगे हैं, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। और खाने में ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा गजब का लगता है, मैं आप क्या बताऊँ आप कितना ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप एक बार ज़रूर से बनाकर देखना और फिर कमेंट बॉक्स में बताना ये नाश्ता कितना ज़्यादा टेस्टी बनता है। और मैं आपको काट कर भी दिखा रही हूँ कि ये नाश्ता अंदर तक जालीदार कितना बना हुआ है, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला था। अंदर तक ये बिल्कुल अच्छे से पका हुआ है। और आपको याद दिला दूं, अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और जिन्होंने अच्छा नहीं लगता वीडियो, डिसलाइक भी कर सकते हैं।
और कमेंट बॉक्स में बताना आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आप इस नाश्ते को ऐसे ही भी खा सकते हैं या फिर कोई टमाटो केचप या जैसे भी आपको ये नाश्ता खाना है वैसे आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, बच्चों को तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आता है इस तरीके का नाश्ता, झटपट वाला। आप ये हेल्दी भी होता है, ये बहुत ही कम तेल में बन भी जाता है, ज्यादा तेल भी नहीं इसमें यूज होता है। तो आप ये सूजी और दही वाला नाश्ता है जो एक बार जरूर से ट्राई करना। थैंक यू, एंजॉय करना इस नाश्ते को। आप सभी को ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।